और ये चद्दर हम पर केवल प्रतीकात्मक नहीं उड़ा रहे हैं, उन्होंने गंगा के काम में पिछले 7-8 सालों से जब भी कभी मौका आया, जब भी कभी जरूरत हुई, उन्होंने सब कुछ छोड़ के वो इसमें आ गए। और मैं समझता हूँ कि गंगा को राष्ट्र नदी घोषित कराने से लेकर जो भी गंगा के जो भी सारे पक्ष रहे हैं, उन पक्षों में वो हमेशा आगे खड़े रहे, सब शंकराचार्य सिंह के साथ भी खड़े रहे, हम सब लोगों के साथ भी खड़े रहे। और जो भी गंगा के सम्मेलन हुए अब तक दिल्ली में, राजस्थान में, उसमें आदरणीय भाई साहब बराबर जाते रहे, तो उनका मन तो गंगा जैसा है। लेकिन फिर भी हम सबकी तरफ से, जो इस देशभर से लोग आए हैं, उन सबकी तरफ से हम गंगा की चद्दर शंकराचार्य श्री अभि मुक्तेश्वरानंद जी के हाथों से दिग्विजय सिंह भाई साहब को उगवाना चाहते हैं। अभी उतारिए मत। अभी तो आपको बोलना है भाई साहब, अभी मत उतारिए। अभी गंगा की चद्दर धारण करने के बाद मैं आदरणीय भाई साहब से कहूंगा कि वो जो भी उनके मन में हो, कि आगे सुनीता बहन ने जो कहा, राशिद भाई ने जो कहा, मैं समझता हूँ हम सबकी बातें, बहुत सारी बातें आ गई हैं, बस एक ही बात हम लोगों के मन में है कि इस वक्त राज, समाज और संत सब गंगा के मामले में जुट गए हैं। और बस याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ, मैं कोई ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं कह रहा। इंदिरा जी ने जब वो स्टॉक होम से आई तो उनके मन में ये था कि जिस तरह से स्टॉक होम रिवर को उन्होंने साफ किया, हम भी अपनी गंगा को कर देंगे। और उन्होंने आके अनाउंस किया, वो ज्यादा दिन नहीं थी, फिर उनके बेटे ने वो जिम्मेदारी उठाई, फिर अभी उनकी उनकी पुत्र बहू कुछ करने को, उनके पुत्र कुछ करने को, और दिग्विजय सिंह साहब बराबर इस काम में लगे हुए हैं। तो कैसे ये गंगा की लड़ाई, गंगा की जंग में हम सब संग में कैसे हो सकते हैं? ये गंगा की एक जंग है, इस जंग में हम सब कैसे संग हो सके, ये आपको कुछ कहना है? परम श्रद्धेय स्वामी जी, भाई राजेंद्र सिंह जी, सुनीति साहब, सुनीता नारायण जी और उपस्थित देवी और सज्जनों, मैं प्रशंसा करूंगा बहन मधु किशोर जी का और राजेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने सभी लोगों को यहां एकत्रित किया और विचार मंथन के लिए हमें इसके लिए सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। जैसा सिद्दीकी साहब ने कहा कि जो माइंडलेस चीजें बताई गई हैं उसमें एक और जुड़ना चाहिए, माइंडलेस पॉपुलेशन ग्रोथ। ये सारे की सारी समस्या इसलिए ज्यादा होती जा रही है क्योंकि हमारी जनसंख्या का भार अत्यधिक बढ़ता चला जा रहा है। जब जनसंख्या का भार बढ़ेगा तो फिर कॉम्पिटिशन होगा और नेचुरल रिसोर्सेज, और उस कॉम्पिटिशन में पानी भी एक महत्वपूर्ण अंग है। उस बोर्ड में कितना पानी किसके पास जाए, ये ही आज इस बात की सबसे बड़ी समस्या है, शेयरिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। पानी का जहां पर सवाल है, अभी भी आप देखते हैं कि अधिकांश भाग पानी का, जब पानी वर्षा होती है, आज भी समुद्र में जा रहा है, और जहां उसको रोकना चाहिए और जहां उसको रिचार्जिंग के लिए उपयोग करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। पहले जो हमारे तालाब थे, हमारे बावड़ियां थी, कुएं थे, उनको धीरे धीरे वे भरते चले जा रहे हैं। वहां शहरों में मकान बनते जा रहे हैं, उन पर कचरा शहर का डालकर वो वाटर बॉडी समाप्त की जा रही है।